पर डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग काम करने जा रहे हैं, तो पहले हम इसको कॉन्फिगर करेंगे। यहाँ पे INT S0/0 के ऊपर जो IP एड्रेस है दैट इज 12.1.1.1 मास्किंग इज 255.255.255.0 नोशन। दूसरा इंटरफेस है INT S0/1 और IP एड्रेस 13.1.1.1.255.255.255.0 नोशन। इसके बाद R2 रूटर INT S0/IP address 12.1.1.2.255.255.255.0 नो शट। यहाँ पे एक लॉक रेट भी दे दें क्योंकि शायद पहली बार इंटरफेस ये हुआ है R2 का। और INT S1 IP address 23.1.1.2.255.255.255.0 नो शट। Come to the R3. R3 INT S0/0 IP address 23.1.3 25.255.255.0 no shut. और INT S0/1 यानी यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है वो 13 आईपी एड्रेस 13.1.1.3 255.255.255.0 और यहाँ पे दो लूप बैक एग्जिस्ट करते हैं। INT लूप लेट्स से 3, तो INT लूप 3 के ऊपर 3.3.3.3 255.255.255.0 नो शट। और INT लूप 33 के ऊपर IP address 33 33 33 और 33 255.255.255.0 एग्जिट करेंगे। यहाँ से राउटर रिप इम्प्लीमेंट करेंगे, राउटर रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2। और यहाँ पर जो चार नेटवर्क हैं 3.0.0.0 फिर 33 फिर उसके बाद 23 का नेटवर्क पब्लिश कर सकते हैं और उसके बाद 13 का। नाउ R2 पे जो इम्प्लीमेंटेशन है एग्जिट राउटर RIP रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 और यहाँ पे नेटवर्क 23.0.0.0 दूसरा नेटवर्क 12.0.0.0 और अब R1 राउटर RIP रिप नो ऑटो समरी वर्जन 2 और यहाँ पर जो नेटवर्क है एक 12 का नेटवर्क और एक 13 का नेटवर्क। यहाँ पर R1 पर शो IP राउटर रिप के अंदर दोनों नेटवर्क ऊपर से आने चाहिए। आपके पास था हमें देखना है 3 का नेटवर्क और उसका नेटवर्क शो IP राउट RIP रिप 3 का नेटवर्क देखना है और 33 का नेटवर्क देखना है। तो 3 का नेटवर्क भी आपके पास ऊपर से आ रहा है और ये भी ऊपर से आ रहा है, नहीं दोनों के दोनों जो नेटवर्क्स हैं अभी वही साइड से आपके पास आ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि नीचे वाली जो नेटवर्क है 33 उसके आने का रास्ता क्या हो जाए वाया 2 के थ्रू, यानी हमें R इस पे जो रिसीव हो ये वाली नेटवर्क वो होने किसके चाहिए 12.2 से रिसीव होनी चाहिए। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हमने एक ACL बनानी पड़ेगी, ये जो आपके सामने लिखी गई यहाँ पे Conf50 एक्सेस लिस्ट कितना 33 फॉर्मेट परमिट के बाद 33 33 33.0 0.0.0.255 और राउटर रिप में हम चले जाएंगे। राउटर रिप में जाने के बाद जो कमांड है डिस्टेंस इज दी कमांड 150 हमने कर लिया 13.1.1.3 जब वो आए यानी डायगनल वाले लिंक से हैं यानी इस वाले लिंक से कि जब अपडेट आ रहा हो इस वाले लिंक से और आपके पास पहुँचे तो आपने क्या करना है कि उसकी AD को आपने बढ़ा देने का है, उसकी AD को आपने क्या करना है बढ़ा देने का, 150 कर देने का,
33 yi से आ गया। तो अगर हम ये करते हैं और यहाँ पे देखते हैं स्लाइड में डायग्राम में, तो हम देखते हैं कि ये जो 33 का जो नेटवर्क है, ये आपको वाया किसके थ्रू रिसीव हो रहा है, इसके थ्रू, और जो ये नेटवर्क था ये रिसीव हो रहा है वाया इसके थ्रू। तो अगर हम यहाँ से ट्रेस करें, क्या नाम है, डीबग करके देखें, डीबग ICMP और यहाँ से पिंग करें किसको, 3.3.3.3 को, तो ऊपर वाले रास्ते को चूज़ करना चाहिए। तो ये ऊपर वाले रास्ते से जा रहे हैं थ्री का नेटवर्क, और अगर हम यहाँ 33 कर दें तो क्या करना चाहिए, उसको नीचे वाले रास्ते से जाना चाहिए, 33 33 33 33। आगे समझ। तो ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया नेटवर्क आईडीज के अकॉर्डिंग, एडी के कारण। तो हम किसी इंटरव्यू में पूछा जाता है सर क्या अभी हम किसी की एडी चेंज कर सकते हैं, तो आप बोलते हो जी कर सकते हैं, बट क्या स्पेसिफिक की चेंज कर सकते हैं, आंसर इज यस कर सकते हैं। बिकॉज हम कैसे करेंगे, दैट इज द प्रोसीजर, ACL बनाएंगे, उसका मैच यहाँ पे करेंगे, मैच के बाद डिस्टेंस में जाने के बाद कहाँ से वो आ रही है उसके साथ उस ACL को मैच कर देंगे। ये इस तरीके से काम करेंगे।